नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती, आज हम बात करेंगे बिहार के एक खेत में निकल रहे सोने के बारे में। जरा सोचिए, किसी के खेत में, किसी के घर से अगर सोना निकलने लगे तो क्या होगा। बिहार में पिछले दिनों यह खबर निकल कर सामने आया, जिसमें यह बताया गया था कि बिहार में सोने का भंडार है। हालांकि भारतीय पुरातत्व विभाग इसको लेकर जांच कर रही है, लेकिन अब जो तत्कालीन मामला सामने आया उसमें यह बताया जा रहा है कि बिहार के बक्सर में सोने के सिक्के निकल रहे हैं। यह खबर जैसे ही सामने आई उसके बाद मानो लोग उस ओर दौड़ पड़े, ग्रामीणों की लूटने की होड़ सी मच गई। हालांकि बाद में यहाँ पुलिस भी पहुँच गई, उसके बाद खेत की घेराबंदी कर दी गई। बता दें कि इस खेत से कुल 6 सिक्के निकले हैं। पुलिस ने अब तक 3 सिक्के को बरामद कर लिया है, बाकी बचे सिक्कों को लेकर पुलिस खोज भी जारी कर रही है। आइए अब समझते हैं इस पूरे मामले को। बता दें कि यह पूरा मामला बक्सर जिले के नावानगर प्रखंड के गिरधर बराव गांव का है। इस गांव में हरिहर शाह के आलू के खेत से सोने के सिक्के मिलने की बात जैसे ही सामने आई उसके बाद गांव के लोग भीड़ की तरह इकट्ठे हो गए। जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो खेत की खुदाई शुरू कर दी। बता दें कि हरिहर शाह ने बिहसी देवी को मालगुजारी पर यह जमीन दी थी। इस जमीन पर पिछले शुक्रवार को बाढ़ की घेराबंदी की जा रही थी, इसी दौरान वहां पर सोने के सिक्के दिखाई दिए। ग्रामीणों ने बताया कि एक एक कर 4 सिक्के वहां पर दिखाई दिए थे। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो इसमें से 1 सिक्के सत्यम सिंह ने ले लिया। बता दें कि बाकी बचे 3 सिक्कों में से 1 सिक्का बिहसी देवी ने पुलिस को दे दिया है। बाकी सिक्कों को लेकर वह बता रही है कि उसने बाकी सिक्कों को कुएं में फेंक दिया। जब जमीन से सिक्का निकलने की बात सामने आई तो गांव के लोग वहां पूरी जमीन को खोदने लगे। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि रात में खुदाई के दौरान सरोज पाल को 1 सिक्का मिला था। बिहसी देवी से सत्यम सिंह के पास गए सिक्के को पुलिस ने शिव कुमार सेठ के यहाँ से बरामद किया। शिव कुमार सुनार ने इसके एवज में सत्यम सिंह को 27,000 रुपया दिया था। फिलहाल पुलिस के पास 3 सिक्के हैं। इसको लेकर एक दूसरी कहानी यह भी कही जा रही है कि बांस की खूंटी में जानवर को बांधने गए थे, यानी कि बिहसी देवी जो है वो अपने जानवर को बांस की खूंटी, जो बांस होता है उसका जो कटा हुआ भाग होता है उसको खूंटी बोलते हैं, तो उसी खूंटी में जानवर को बांधने गए थे। इसी दौरान बांस की खूंटी निकल गई, यानी कि टूट गई उसके जड़ से, और उसमें से जो है सोना निकलने लगा। हालांकि इसको लेकर मीडिया में दो तरह की खबरें जो है सामने चल रही है। हमने दोनों एंगल के बारे में आपको बता दिया है। सोनवर्षा पुलिस की माने तो पुलिस ने अब तक 3 सिक्के बरामद किए हैं। पुलिस अन्य सिक्कों को लेकर जाँच कर रही है। इस खेत की घेराबंदी कर दी गई है। इस घटना को लेकर अधिकारियों को सूचना भी दे दी गई है। ऐसे में अब देखना है कि इस पूरे मामले को लेकर पुरातत्व विभाग किस तरह से जांच करती है और इसमें क्या परिणाम निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर दो अलग अलग एंकल जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।